दोस्तों इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम वाइल लूप और इफ स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए पाइथन में एक इस तरह का प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें वो हमसे हमारा कोड एंटर करने को कहेगा वो कोड हम पहले से सेव से कर चुके होंगे किसी वेरिएबल में वो आप डेटाबेस में भी सेव से कर सकते हैं या कहीं से भी उठा सकते हैं लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम एक वेरिएबल में कोड सेव कराया हुआ है और जब हम कोड एंटर करेंगे तो देखते हैं वो प्रोग्राम किस तरह एक्ट करेगा तो प्रोग्राम मुझे कह रहा है एंटर कोड मैं कोई कोड एंटर करता हूँ अगर तो कोड गलत है तो वो मुझे फिर से स्क्रीन दिखा देगा कि अपना कोड एंटर करो मैं कोड एंटर करता हूँ कोड गलत है तो फिर से दिखा देगा और फिर हम अपना कोड एंटर करते हैं तीसरी दफ़ा तो कोड गलत है तो वो कह देगा रॉन्ग कोड लेट सपोज़ अब जो है हम फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं और मैं सही कोड एंटर करता हूँ तो वो हमें कह देगा योर कोड इज़ करेक्ट या करेक्ट कोड इस आप यूज़र से किसी का पासवर्ड आपने पूछ लिया या कोड मांग लिया तो अगर तो उसने सही एंटर कर दिया तो आप उससे कोई काम करवा लेंगे किसी पेज पे रिडायरेक्ट करवा देंगे और अगर उसने गलत एंटर किया तो मैसेज आ गया रॉन्ग कोड तो ये जो छोटा सा प्रोग्राम है कि अगर सही कोड एंटर होता है तो हम किस्सा लिखेंगे और गलत कोड यूजर एंटर करता है तो हम किस्सा लिखेंगे देखते हैं हम पाइथन में किस तरह लिख सकते हैं तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फेक्ट का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल तो दोस्तों मैंने आइडल में एक फाइल ओपन कर ली है और लेट सपोज तो मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ करेक्ट कोड के नाम से और उस पर मैं कह देता हूँ कि भाई जो करेक्ट कोड है वो है वन टू थ्री फोर अब हमने क्या करना है कि हमने तीन दफ़ा एक चीज़ को चलाना है जो कि चेक करेगा कि यूज़र से जो हम इनपुट ले रहे हैं वो सही एंटर कर रहा है कि नहीं तो इसके लिए हम वाइल लूप यूज़ करेंगे और वाइल्ड लूप में आपको पता है कि वाइल लूप में आप जो भी कंडीशन होती है उसके बाद कॉलन डालते हैं और फिर नीचे कोड लिखते हैं तो यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं कि एक तो हमारा वाइल तीन दफा चले ठीक है तो यहां पे मैं एक और वेरिएबल डिफाइन कर देता हूं कि चेक लिमिट के नाम से और चेक लिमिट के शुरू में हमने वैल्यू दे दी जीरो क्योंकि हम उसको तीन दफा प्लस करवाएंगे पहली दफ़ा ज़ीरो में एक एंड होगा फिर दूसरा एंड होगा और तीसरी दफ़ा वो एग्जिट कर जाएगा अगर तो सही एंटर नहीं किया तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे कि भाई वन चेक लिमिट इज़ लेस देन थ्री तो तुमने फिर नीचे वाला काम करना है क्योंकि लूप को हमने तीन दफ़ा चलाना है और बीच में अगर उसने सही एंटर कर दिया तो हम उसको ब्रेक करा देंगे और एग्जिट करके कुछ भी मैसेज दिखा सकते हैं तो कई दफ़ा इस ये काम करने के बाद कि चेक लिमिट जब तीन से कम हो तो तुमने क्या करना है आपने यूज़र को एक मैसेज देना है कि भाई तुम अपना कोड जो है इनपुट करो तो यहाँ पे हमने क्या किया इनपुट Uh, मैं हमने कह दिया कि तुम क्या करो एंटर कोड यूज़र को ये मैसेज नजर आएगा और वो कोई कोड एंटर करेगा तो क्योंकि आगे हमने कंपैरिजन करना है तो इसलिए हम इस कोड को एक और वेरिएबल में आ स्टोर करवा देते हैं तो हम इस वेरिएबल का नाम रख देते हैं यूज़र कोड इक्वल्स टू इनपुट एंटर कोड और क्योंकि हमारा जो कोड ऊपर लिखा हुआ है वो वन टू थ्री फोर वो इंटीजर में है तो आप इस ये जो इनपुट करेगा यूज़र वो स्ट्रिंग में करेगा तो उसको आपने आईएनटी के फंक्शन से इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया ये काम करने के बाद अब हमने कहना है कि अगर तो यूज़र का कोड ठीक है तो लिखो या प्रिंट कर दो कि तुम्हारा कोड ठीक है और अगर यूज़र ने गलत कोड एंटर किया है तो कुछ और काम करना है तो उसके लिए हम इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि इफ यूज़र कोड जो है वो किसके इक्वल है करेक्ट कोड के तो फिर क्या काम करना है हमने फिर आपने क्या कराना है प्रिंट करवाना है क्या प्रिंट करवाना है करेक्ट कोड ये प्रिंट करवा के हमने वो लूप से निकल जाना है तो उसके लिए हम ब्रेक की स्टेटमेंट यूज करेंगे इससे वो क्या होगा लूप से निकल जाएगा ठीक है जी अब यहाँ पे मैं एल्स स्टेटमेंट इफ़ के साथ भी लिख सकता हूँ इफ़ एल्स आपने पढ़ा हुआ है या फिर जिस तरह हम इफ में एल्स की स्टेटमेंट लिखते हैं उसी तरह वाइल में भी एल्स की स्टेटमेंट लिखी जा सकती है वाइल लूप के लिए भी एल्स की स्टेटमेंट होती है कि अगर तो ये है तो ठीक है मतलब उसने एक दफ़ा एंटर किया कोड करेक्ट हो गया फाइल वाइल से निकल जाएगा लेकिन अगर वाइल लूप तीन दफ़ा चल गया है और उसने गलत कोड एंटर किया है तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे कि भाई तुम्हारा कोड जो है वो है गलत रॉन्ग कोड अब इसमें हमने क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम वाइल्ड लूप लगाते हैं तो ये जो हमारा चेक लिमिट है उसमें पहले जीरो है फिर हमने वन लाना है फिर टू लाना है तो उसके लिए हम यूजर जब एंटर करता है कोड तो उसके बाद हम कह देते हैं कि भाई चेक अंडर स्कोर लिमिट इक्वल्स टू उस वक्त जो चेक लिमिट के वेरिएबल में वैल्यू है उसमें वन ऐड कर दो पहले उसमें ज़ीरो है तो पहली दफ़ा कोड चेक चला उसने फिर उसको ज़ीरो में वन ऐड कर दिया वन हो गया अगर तो फिर वो दूसरी दफ़ा चलेगा वो फिर टू हो जाएगा तीसरी दफ़ा चलेगा थ्री हो जाएगा और तीस, तीसरी दफ़ा भी अगर वो गलत एंटर करेगा तो हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे रॉन्ग कोड तो चलें देखते हैं कि क्या हमारा ये कोड काम कर रहा है कि नहीं इसको हम सेव कर लेते हैं ऑल्ट एफ एस करके आइडल में और रन करने की शॉर्टकट की है एफ फाइव तो आपने रन कर दिया प्रोग्राम तो जैसे ही आपने रन किया एक मिनट मैं इसको बल्कि एक दफ़ा और रन करता हूँ इसको हम एफ फाइव करके अपने कोड को रन करवा लेते हैं तो जैसे हमने कोड को रन करवाया तो हमारे पास स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है एंटर कोड तो हम क्या करते हैं इस दफ़ा गलत कोई कोड एंटर करते हैं जिस तरह टू थ्री फोर फाइव तो क्योंकि कोड गलत है तो हमें एक और चांस दे रहा है हम एक और एंटर कर देते हैं वो फिर हमें कोई चांस दे रहा है और फिर हम जब एंटर कर देते हैं तो वो लूप को एग्जिट करके कह रहा है रॉन्ग कोड ये प्रोग्राम को एक दफ़ा देख लें कि भाई लूप को उसने एग्जिट कर दिया तीन दफ़ा चलाने के बाद उसमें वन वन ऐड करके और आखिर में उसने रॉन्ग कोड का मैसेज दे दिया लेकिन लेट सपोज़ हमें सही कोड पता है तो फिर हम आ, इस प्रोग्राम को फिर से रन करवाते हैं और चेक करते हैं कि अगर हम सही कोड यूज़र एंटर करते हैं तो फिर क्या होगा तो इस दफ़ा यूज़र को कोड तो अगर पहली दफ़ा उसने गलत कर दिया तो उसने दूसरा चांस दिया दूसरी दफ़ा यूज़र ने सही एंटर कर दिया तो हम उसे रीडायरेक्ट करवा सकते हैं मेंबर्स एरिया पे या सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं कि तुम्हारा कोड करेक्ट है तो दोस्तों इस तरह हम वाइल लूप को और इफ को यूज़ करते हुए इस तरह के प्रोग्राम्स लिख सकते हैं जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि यूज़र ने पासवर्ड सही एंटर किया है कि नहीं क्या उसने अगर सही एंटर किया है तो ये काम कर दो और अगर गलत किया है तो आप उसको कहो रॉन्ग पासवर्ड तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा वीडियो को लाइक ज़रूर करें शेयर करें मैं हूँ वाई फेक्टनर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में